नमस्कार, जय हिंद। मैं विशाल यादव और आप देख रहे हैं ओनली न्यू नेशन। सुबह के 5 बज गए हैं और सुबह के 5 बजते ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि अब गहलोत पर ईडी का हमला, यानी कि इस छापेमारी में बड़ा नुकसान हुआ है गहलोत साहब का, यानी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से सचिन पायलट के ऊपर उल्टा हो रहे थे गहलोत साहब, लेकिन अब तो पूरा गेम पलट चुका है। यानी कि ईडी का छापा मारना क्या बीजेपी की चाल हो सकती है? बड़ी बात है, लेकिन साहब ये सुबह का कार्यक्रम है। सुबह के कार्यक्रम हम आपके सामने वो खबरें पेश करते हैं जिनको अखबार पर जगह दी जाती है, तो मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिस पर ईडी ने साफ साफ छापा मारा है और करोड़ों नहीं अरबों का खेल है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं वो भी वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं, सुबह के बिस्तर से 5 बजे हैं, 5 बजते ही आपके घर में अखबार नहीं आया, लेकिन अखबार आने से पहले खबरें आ गई हैं, इसीलिए आप खबर सुन लीजिए। बड़ी खबर है जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी गई है। जिस तरह से बड़ी खबर है, असम से बगजान स्थित ऑल इंडिया के कुएं में 5 के पास हुआ विस्फोट, 3 विदेशी एक्सपर्ट घायल। वहीं पर कर्नाटक की बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने नए स्कूल खोलने के लिए नहीं दी है अनुमति, 1800 से ज्यादा अधिक लोग जाएं आवेदन करने के लिए। वहीं पर बड़ी खबर है अमरनाथ यात्रा को लेकर, सत्यम शिवम और सुंदरम का एहसास कराने वाली अमरनाथ यात्रा में अमृत का रहस्य। आईएफए कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीन पर चर्चा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हर वक्त रहें अलर्ट। वहीं पर बड़ी खबर है हैदराबाद से कोविड-19 को लेकर, क्योंकि महामारी से टूटी फूल विक्रेताओं की कमर, आधा स्टॉक नहीं बिक सका। वहीं पर आपको बता दें कोरोना वायरस की खबर, जिस तरह से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का दावा किया जा रहा है कोरोना स्पेशल टी के ओर से, यानी कि आप चाय पियेंगे तो आप ज़्यादा प्रतिरोधक जो है वो क्षमता बढ़ा सकते हैं। वहीं पर बड़ी खबर है जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी गई है, मेट्रो स्टेशनों पर ट्रैफिक जाम करते ई रिक्शा और ऑटो, रिसर्च के हवाले से पूरी बर्बादी का हाल। वहीं पर बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ट्वीट मामले में प्रशांत भूषण के अवमानना नोटिस, रविवार से भी मांगा जवाब। वहीं पर बड़ी खबर है जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी जा रही है, भारत में कब तक आएगी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, कितनी होगी कीमत, लोग को कैसे मिलेगी। जिस तरह से कोरोना के इलाज में एक और बड़ी सफलता, इस दवा से 79% कम हुआ खतरा। वही बात करें कि 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचा सोना, चांदी 3 दिन में 7,000 रुपये बढ़ी। कोरोना के बीच हिमाचल में होगी सेना की भर्ती, इन जिलों में युवाओं को मिलेगा मौका। वहीं पर बात करें नेटवर्क डिजिटल की, तो एयरटेल से लेकर बीएसएनएल तक के शानदार ब्रॉडबैंड प्लान, मिलेगी ओटीटी ऐप की सब्सक्रिप्शन। राज्यसभा में जब हुआ दिग्विजय सिंधिया का आमना सामना, तो कुछ ऐसा था वो मंजर, जो मंजर है वो आपको दिन में पता चल जाएगा। बात करें विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया जांच आयोग, 2 महीने में मांगी है रिपोर्ट। बड़ी खबर असम से, जिस तरह से हमने बताया कि तेल कुएं के पास धमाका, 3 विदेशी विशेषज्ञ बुरी तरह से घायल। ये थी बड़ी खबरें जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी गई है। लेकिन जिस तरह से आप थंबनेल देख कर आए हैं कि गहलोत के घर में ईडी का छापा, करोड़ों अरबों का खेल और पुलिस ने जमकर की है ठुकाई। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो करीबी हैं उन पर शिकंजा और कसा जा रहा है, यानी फर्टिलाइजर्स घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी आज के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी, सीएम गहलोत के कई भाई यहां पर गिरफ्तार हो सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा और कसा जा रहा है फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी के छापेमारी सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ भी जारी है।
ईडी राजस्थान में जोधपुर समेत 6 जगहों, पश्चिम बंगाल में 2 जगहों, गुजरात में 4 जगहों और दिल्ली में 1 जगह पर छापेमारी कर रही है। अग्रसेन गहलोत की कंपनी अनुपम कृषि पर किसानों के लिए रियासतों दरों में खरीदी उर्वरक को अधिक दामों पर मलेशिया और वियतनाम को बेचने का आरोप है। ईडी के मुताबिक यह 150 करोड़ का घोटाला है। जी हां, 150 करोड़ रुपये का घोटाला है। बता दें आपको, बीते दिनों ही सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में आया था। आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने सन 2007 से सन 2009 के बीच किसानों के लिए ली गई उर्वरक को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। इस दौरान केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि MOP निर्यात के लिए प्रतिबंधित है। वहीं पर MOP को भारतीय पोटास लिमिटेड IPL द्वारा आयात किया जाता है और किसानों को रियायती दरों पर वितरित किया जाता है। आरोप है सन 2007 सन 2009 के बीच अग्रसेन गहलोत जो IPL के लिए अधिकृत डीलर थे ने रियासती दरों पर MOP खरीदा और किसानों को वितरित करने के बजाय उन्होंने इसे कुछ कंपनियों को बेच दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सन 2012-13 में इसका खुलासा किया था। BJP ने लगाया था आरोप। जानना जरूरी है कि जब बात कांग्रेस की आए तो BJP का आना स्वाभाविक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की कंपनी ने कथित रूप से सब्सिडी वाले उर्वरक का निर्यात किया है जो घरेलू उपयोग के लिए था। BJP ने कहा था कि अग्रसेन गहलोत की कंपनी ने देश के किसानों के लिए आयात किए जाने वाले उर्वरक पोटास के मुरेट का निर्यात किया था। वहीं पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि यह सब्सिडी की चोरी एक स्पष्ट मामला है और यह सब सन 2007 से सन 2009 के बीच हुआ जब कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA केंद्र में सत्ता में थी। उस समय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जिस तरह सस्ती दर पर उर्वरक का निर्यात किया गया था, संदेह उठाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ सकता है। बता दें गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें। हालांकि अशोक माफी चाहूँगा अग्रसेन गहलोत ने उस वक्त सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अब इस मामले में ईडी जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले आयकर और ईडी ने गहलोत के करीबियों पर छापेमारी की थी। तो लगातार गहलोत के करीबी हैं जो भी गहलोत के साथ हैं उनके सबके ऊपर ईडी आज हमला बोल रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गहलोत ने जो आज तक राजनीति खेल खेला कांग्रेस पार्टी में, उससे पर्दा साफ होता है कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। और साफ कुछ नहीं, संपूर्ण काला है। इसीलिए आज ईडी जांच है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स अपनी राय दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली न्यूज ग्रुप में आप सभी का ये जो हम एक कंपेनिंग लेकर आए हैं, इस कंपेनिंग में इस 5 अगस्त को हम सब मनाएंगे दिवाली, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम को जो हमारे पूरे 130 करोड़ देशवासियों के इष्ट देवता है। जी हाँ साहब, 130 करोड़ देशवासियों में हमें पता है 110 करोड़ हिंदू है, लेकिन सबके इष्ट देव भगवान श्री राम है। ये चाहे कोई माने या ना माने, 110 करोड़ तो मानते हैं। तो इस 5 अगस्त को भगवान राम के जन्मभूमि पर वहां पर होगा शिलान्यास और प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास और प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस 5 अगस्त को हम सबको मनानी है
दिवाली। जी हाँ, अब की बार भगवान राम का आगमन उनके रियल लाइफ में तो 14 वर्ष में हुआ था, लेकिन सैकड़ों सैकड़ों सदियों लग गई और भगवान राम वापस आ रहे हैं इस 5 अगस्त को अपने घर वापस अयोध्या। तो आप सबसे निवेदन है, अब की बार आप 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मनाएंगे, हर घर में पटाखे फूटेंगे और हर घर में दीपक जलेंगे। लड़ियां सजा दीजिए, पूरे देश को सजा दीजिए, घर को सजाइए। हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मननी चाहिए। इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए और 5 अगस्त को भव्य सेलिब्रेशन हर घर में होना चाहिए। 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था के जो प्रतीक है भगवान श्री राम, 130 करोड़ देशवासियों में हर कोई का कहीं ना कहीं जो उनका आज अस्तित्व है भगवान श्री राम के नाम की वजह से है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। तो चलिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।